और आपको ये भी बोला गया था कि आपके माइंड से अगर कोई बार बार नेगेटिव शब्द आ रहे, नेगेटिव सोच आ रही है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ रहा है, नेगेटिव सोच के साथ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स आपके माइंड से पैदा हो रहे हैं, तो इसके साथ आप कैसे निपटना चाहिए। आपका माइंड बार बार नेगेटिव बात बता रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तू कमज़ोर, तू ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपका माइंड खड़ा कर रहा है, तो क्या करेंगे आप? आपका दिमाग कोई भी समस्या खड़ी कर रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप उसका समर्थन नहीं करेंगे, आप इसके खिलाफ जाएंगे, नहीं ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है, मैं उसको रोक सकता हूँ, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसको ठीक करने के लिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और मैं बहुत कैपेबल हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं रास्ता निकाल सकता हूँ, मुझे पता है कैसे करना है। ऐसे आप विपरीत पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं तो ये मामला खत्म हो जाएगा। दिमाग जितना चिल्ला चिल्ला के प्रॉब्लम 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 चिल्ला रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा, बंद कर देगा। लेकिन आपको इसके सामने ये बात रखनी पड़ेगी कंपलसरी, तो ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग, 97% लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सभी लोग, हाँ यार कितनी प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही हो साथ ही हो गया, इसने ऐसा जाएगी। कर दिया, अब मैं तो खत्म हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो निकम्मा हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो गया, यही बात लोग बोलते हैं और ये इसको समर्थन में लेते हैं, यह सही सच है, तो इसका तो हो गया कल्याण, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, इसलिए दुनिया परेशान है, इसलिए मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए लोग धीरे धीरे नेगेटिव, इसलिए ही सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। अगर व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हुई तो इसने अगर समर्थन नहीं किया होता तो क्या वो सुसाइड करता? नो साहब, कभी नहीं करता। अगर प्रॉब्लम हुई उसके खिलाफ वो जाता कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन कर लूँगा, तो वो कभी सुसाइड नहीं करता। यस लेकिन सुसाइड की वजह यही है कि व्यक्ति ने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया, समर्थन किया और माना कि अब मेरे साथ मरने के सिवा कोई चारा नहीं है, तभी वो सुसाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, ये आदत है। यस आप आपकी माइंड की नेगेटिविटी के खिलाफ, आप माइंड जो नेगेटिव चीज़ें बता रहा है इसके खिलाफ पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव बातें रखना, ये आदत है। और जो व्यक्ति की आदत लग चुकी है वो तो हमेशा ऐसा ही बोलेगा, दिमाग अंदर से 10 समस्याएं खड़ी करेगा, वो 20 समर्थन में वो 20 ऑपोजिट पॉजिटिव चीज़ें रख लेगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो व्यक्ति हमेशा बचेगा, व्यक्ति हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बना लेगा और हमेशा वो व्यक्ति सफल होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो बात इतनी सी है कि समस्या आपके माइंड में खड़ी हो रही है, आपका माइंड कोई समस्या बता रहा है, आप क्या बिहेवियर करते हैं, क्या आप रिएक्शन करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी तय करता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।